अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। वापस आ चुके हैं हम अपने चैनल पर एक बार फिर से एक नई रिव्यू के साथ। और आज का रिव्यू बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है, क्योंकि जनाब आपके बड़े पसंदीदा, आपके हाथों में नाचने वाले, हर वक्त यानी मोबाइल पे नाच रहे होते हैं और हमारे हाथ में मोबाइल होता है, यानी कि टिकटॉकर्स के ऊपर आज हम रिव्यू करेंगे। लेकिन टिकटॉकर्स के ऊपर रिव्यू नहीं, टिकटॉकर्स का एक कॉन्टेंट, यानी कि एक टिकटॉकर है वो कौन से हैं ये बताएंगे, इनके फेवरेट हैं वो टिकटॉकर, तो उनका एक सॉन्ग फेवरेट एक्चुअली इस तरह से है कि है। अच्छा वो फेवरेट है। अच्छा मैंने तुक्का मारा था वैसे। नहीं, उसकी वो सादगी जो है उस वजह से जो है वो, मेरा ख्याल है कि जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो सारे सिर्फ उनकी सादगी की वजह से उनके फॉलोअर्स हैं, उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से, और फिर वो एक राज मजदूर वाला मामला था, और उसने मतलब अल्लाह ताला है ना, किसी को अगर फेम देना चाहे, बिल्कुल इज्जत सर, देना बिल्कुल चाहे, तो वो सर, किसी तरीके से भी दे सकता बिल्कुल है। तो हम बात करने जा रहे हैं जी फुल्लू की, और डेफिनेटली आप जानते होंगे बहुत सारे लोग जो कि स्पेशली टिकटॉक यूज़ करते हैं। फुल्लू जो है वो इस टाइम उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि 8 मिलियन के करीब उसके अच्छा फॉलोअर्स हो गए जबरदस्त। हैं, और उसके पहले भी सॉन्ग्स आ चुके हैं, और नया उसका एक अच्छा सॉन्ग वैसे आया है। सॉन्ग ही खुद गाते हैं या उसमें से नहीं, गाते वो हैं? एज अ अच्छा मॉडल अच्छा काम अच्छा करते हैं। मॉडल होते हैं। अच्छा हाँ, तो ठीक, वो लड़की के साथ मॉडल आए हैं, जिस तरह पहले भी उसने वो मेरी आपकी जगह लड़के के साथ आते हैं? लड़की के साथ हाँ लड़की के साथ ही है, ठीक मैं है, आप या वो एडजस्ट नहीं कर पाए, आपके जेन में स्लिप वो ऑफ एक्सेप्ट नहीं टंग हो हुआ। गया बिल्कुल ऐसे ही। तो जी सॉन्ग मैंने भी नहीं देखा, हाँ आपने भी नहीं देखा, बिल्कुल। और उस मुझे कल एक वीडियोस में देख रहा था, तो उसमें फुलू का एक वीडियो आई है, उसने कहा कि जी मेरा सॉन्ग आ गया जी, तो जल्दी से जाके मेरा सॉन्ग देखे। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं देखेंगे हम, हाँ उस पर रिव्यू ऊपर करेंगे, रिव्यू सही करेंगे। हो गया। तो जनाब चलते हैं, अच्छा आपको वैसे भी इससे पहले देखें कि हम रिव्यू की तरफ जाए, तो फुल्लू का नाम सच में फुल्लू है या वैसे निकनेम फुल्लू का? फुल्लू। अब मेरा रिश्तेदार तो है वैसे मेरा रिश्तेदार एक है फुल्लू, ना मेरा कजन है, उसका भी नाम फुल्लू है, अच्छा वाह। लेकिन ये कि ये फुल्लू है, इसका मुझे नहीं पता कि इसका रियल नेम क्या है, लेकिन जो हमारा फुल्लू है उसका नाम असल जो है वो अमजद है, सही हो लेकिन गया। उसको फुल्लू कहते हैं, और फुल्लू ही है वो हमारा बुरा फूला हुआ मेरी तो इसलिए। नहीं इतना भी नहीं फूला हुआ, लेकिन वो है फुल्लू ही है अच्छा बस। मैं फैला फूला हूँ ना इसलिए हाँ, इतना। चले तो जनाब रिव्यू की जाने पड़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाह जी वाह, लगता है दुबई में शूट हुआ है। हाँ, तेरे बिन मैं तो बराबर उनके गांव में ही लगता है कहीं पे दुबई का गांव लग रहा है मुझे तो। मॉडल भी कह रही है नहीं ये नहीं हो चक्कर सकता। यार अगले बंदे के, ये सिंगर आई थिंक है ना। ये फुल्लू सिंगर जैसा है भाई लग रहा है वैसे। क्या आवाज है, शॉर्ट्स बड़े जबरदस्त हैं। ये तो मुझे वो जगह नहीं लग रही जो सफारी पार्क बिल्कुल इस तरह लाहौर है में जुड़ा। ना। वही है, आई बिल्कुल थिंक लग वो वही ही है। रहा है वैसे। क्या स्ट्रिक्स बनाए हुए हैं। मेकअप अच्छा होगा। बंदा ही चेंज कर दिया, ये दुबई है मेरा ख्याल है। वो सिंगर का जो है वो दुबई में शूट हुआ हुआ है और ये कहीं और हुआ हुआ है। ये भी हो सकता है। वॉइस अच्छी है सिंगर की। फुल्लू से लंबी लग रही है। और भी है बीच में। लड़के दो है मेरा ख्याल। मैच तो नहीं डाला ना। क्या बात,
काफी लंबा सॉन्ग है। हाँ तो मेकअप नहीं किया। क्या बात है। तेरे बिन जनाब और तेरे बिन सॉन्ग फुल्लू का। जी जनाब, तो फुल्लू ऑफिशियल से ही ये जो सॉन्ग है वो अपलोड हुआ है, मेरे ख्याल से उनकी अपनी ही प्रोडक्शन है सारा कुछ उसने। हाँ तो बिल्कुल अभी 3 हफ्ते पहले ये आया है सॉन्ग, और 196 के व्यूज हैं और 2.9 के लाइक्स भी हैं, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स था। 3 वीक्स के अंदर उन्होंने इनकी पब्लिसिटी। मैं चाहूंगा वही पहले आप रिव्यू दें, फिर मैनेजर में कुछ एक दो चीजें आई, फिर मैं अच्छा, वो बात मुझे करूंगा। मुझे जो इसमें चीज़ें अच्छी लगी हैं, उनकी सिनेमाटोग्राफी, बहुत ज़बरदस्त सीन्स लिए हुए इन्होंने, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दो जगहों पे शो शूट हुआ है, बिल्कुल। दुबई में और पाकिस्तान में, तो इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें। और लेकिन ये है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है सॉन्ग के ऊपर, लोकेशंस जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किए हैं, और अगर 5 मिनट का गाना था तो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीन जो है वो चेंज किए हैं, तो काफ़ी मेहनत से बना हुआ है मेरे ख्याल से ये सॉन्ग। आप क्या कहोगे? हाँ, मेरा रिव्यू तो दो तीन चीज़ों पे होगा। पहले तो स्टोरी के ऊपर, सबसे पहले कि थोड़ा सा टिकटॉक पर ट्रेंड बन गया कि अमीर दिखाना है, और एक कल्चर बन गया कि मोबाइल, गाड़ी, पैंट कोट, सब चीज़ें। हालांकि इस तो इसके गाने के लिरिक्स देखा जाए तो इस पर एक बड़ी देहाती एक स्टोरी बनाई जाती है, क्योंकि पंजाबी सॉन्ग भी था, तो मुझे लगा कि लिरिक्स के साथ स्टोरी मैच नहीं हो रही है। जो ऊपर कॉस्ट्यूम्स हैं वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, उसके ऊपर मतलब बिल्कुल ठीक जा नहीं थी रही, मुझे वैसे ऐसा लगा। हर एक की अपनी अपनी राय है, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो डेफिनेटली इस पर भी हुई होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ मैच नहीं था कर रहा। और फिर वो आईफोन का मतलब कुछ सीन्स ऐसे थे जो कि जानबूझ के बीच में डाले गए, तो हाँ, उनका वो स्टोरी से गैर बिल्कुल, जरूरी हाँ थी। मतलब हाँ इरेलीवेंसी थी बहुत ज़्यादा। और मतलब कि सीन्स एकदम शिफ्ट हो रहे हैं, तो स्टोरी के मुझे समझ नहीं आया कि, और ये रिपीटेशन है स्टोरी की हर दफा, जैसे लड़की धोखा दे रही है, लड़का धोखा दे रहा है, हाँ ये तो बहुत ये ज्यादा एक बहुत रिपीट आम होती स्टोरी हो चुकी है। सिर्फ अपने वो कह लें, कुछ लोगों को दिली ख्वाहिश भी होती है सारी चीज़ें करने की, लेकिन आप कुछ न्यू अगर दरियाफ्त करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। बाकी शॉर्ट्स कुछ, तो उसमें मुझे लगा कि इररेलीवेंसी जो है वो ज़्यादा है, मतलब स्टोरी के साथ सीन्स नहीं थे जा रहे, और एडजस्ट किया उसे जानबूझ के दिखाने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए, मैंने पैंट कोट पहना हुआ, शश के में हूँ मैं, और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उसमें मुझे एक चीज़ जो है, मैं अभी ट्रेंड ये भी चल गया हुआ कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं डेफिनेटली इनको इसीलिए लिया जाता है, इनके फॉलोअर्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल और वो बिल्कुल सॉन्ग को फिर वो उसको प्रमोट करते हैं कि जी मेरा बिल्कुल नया सॉन्ग आ गया, और बिल्कुल। वो जितने भी उनके फॉलोअर्स होते हैं वो जाके यूट्यूब पे ऐसे उनकी ही देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक नया ट्रेंड चल गया कि बिल्कुल वो। बिल्कुल ऐसा है जो चीज़ मार्केट में आ रही है लोगों को। तो हमारे तो पाकिस्तान में कल्चर ही है शुरू से ना, कि अगर कोई आपको स्पॉन्सर करे तो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि आपकी स्टोरी में नहीं भी जा रहा, तो आपने वो अपनी स्टोरी में रखा। मैंने फिल्म्स में हाँ देखा है, बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं वहाँ वो जा नहीं रही होती प्रोडक्ट, लेकिन जानबूझ के उन्होंने वहाँ वो घुसाई होती है। तो इस तरह हमारे टिकटॉकर्स भी इन सॉन्ग से कई दफ़ा नहीं जच रहे होते, लेकिन उनको मार्केट करने के हाँ लिए, क्योंकि उनका एक अलग डोमेन है, वो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात देखी जाए कि मॉडल जो उनके अपोजिट सेलेक्ट की गई है, या जब हम किसी करेक्टर के कोई किसी किरदार के लिए किसी पर्सन को जो है हायर करते हैं या उससे बात करते हैं, तो वो उस पर जचना भी चाहिए, मतलब अल्फाज पीछे क्या है। अब ज़ाहिर है
जितना कि मेरा फिगर है, मे भी मैं रोमांटिक करता हूँ उतना अच्छा ना लगूँ उस चीज़ में। हर एक किरदार के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, लेकिन तो इसको उनको अगर वही हाँ कहा मतलब जाए एक कि लड़की ये ऑपोजिट के एडजस्ट बिल्कुल, नहीं हो हाँ रहा, मतलब लेकिन जोड़ी वो ज्यादा पे जबरदस्ती। होता है ना कि एक कपल जा रहा होगा तो उनको दोनों को देख के लग रहा होगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं या एडजस्टेबल हैं और इनकी जोड़ी एक ऐसी लग रही है। लेकिन एक ऐसी वो मॉडल जो कि उसके साथ एडजस्ट भी नहीं लग रही, मगर लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल है और सब मेरा कुछ। ख्याल है अगर फुल्लू को लेना ही बिल्कुल जरूरी है तो फिर उस तरह का सॉन्ग बनाया जाए, बिल्कुल गांव देहात में वो बिल्कुल बंदा देहाती बंदा बिल्कुल है, बिल्कुल और ऐसे, उसको स्टोरी इस तरह से बनाई जा बिल्कुल सकती है। तो ऐसे, स्टोरी में बिल्कुल डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल मैं हंड्रेड बिल्कुल परसेंट जो है वो एग्री करता हूँ कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो जो जिस तरह के हमारे पास मवाद मौजूद है, जिस तरह के हमारे पास कंटेंट है, जिस तरह के लोग हमारे पास मॉडल हैं, या कोई भी अगर वही बात हम बात करें कि फुल्लू को लेना ज़रूरी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो और स्टोरी हम वो ये नहीं बनाना कहते कि चाहिए। मतलब कि वो मतलब कि अगर उसका रंग के ऊपर हम बात करें या उस नहीं नहीं मतलब रंग नहीं मैं उस भाई बहुत आपकी सारी चीज़ें क्लियर ऐसे, करते हैं इस बहुत चीज़ सारे। को, नहीं नहीं रंग क्योंकि वो तो एक अल्लाह ना हाँ करे कि बिल्कुल हम बिल्कुल वो ऐसे, तो हमारे इख्तियार में भी नहीं है बिल्कुल ऐसे डेफिनेटली। उससे भी लेकिन ये रोल्स करवाए जा सकते हैं, लेकिन उसको एक लिए ग्रूमिंग की जरूरत होती है। ग्रूमिंग मतलब कि ग्रूमिंग आपको पहले आप ये नहीं कि मतलब आप किसी एक्टिंग आपके स्किल्स बिल्कुल होने हाँ चाहिए। बिल्कुल पर ऐसे अब बिल्कुल देखिए ना, मैं एक और चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि टिकटॉक पे जितने भी, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों के फॉलोअर्स हैं वो उसको डिज़र्व भी करते हैं, मतलब उस तरह से डिज़र्व करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक वो उनको फेम मिल गई है। लेकिन अगर उनके टैलेंट के ऊपर हम बात बिल्कुल करें तो अब देखें ना, कोई मैच नहीं बनता कि एक ईंटे बनाने वाला, भट्टे पे काम करने वाला, वो उसके 5 मिलियन हो जाए या इस तरह की। तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मैं बात हम क्योंकि हम उसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे कि वो क्यों आए या क्यों हुआ, वो डेफिनेटली अल्लाह ताला के कामों में जो है ना वो इस तरह की वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन मैं हम बात करें इस सॉन्ग को लेकर, क्योंकि उसको बिल्कुल रिव्यू कर रहे हैं, तो इस पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इस सॉन्ग को देखें तो उसमें जो कमियाँ थी वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और जहाँ जी अच्छी चीज़ थी हमने शॉर्ट्स के बारे में तारीफ भी की, डेफिनेटली दोनों चीज़ें साथ साथ थी, तो इसलिए माइंड नहीं करना आप लोगों ने। और अगर जी आप जी ये बोलेंगे खुद ये क्या है और हमें भाषण दे रहे हैं, तो अगर आप इस पॉइंट तक हाँ हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हाँ फिर अब आपने वीडियो पूरी देख ली होगी, कोई बात नहीं। आप हमें बुरा कह भी ले तो मुझे नहीं तो नहीं नहीं और भी चीज़ है, कोई कमेंट करें अगर हो हाँ सकता है, बिल्कुल अगर हमारी बिल्कुल इसलाह हो जाए, अगर बिल्कुल आपको ऐसे कोई ही लगे कि हमने कोई गलत ऐसी बात की जो बिल्कुल मैं नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल डेफिनेटली आप हमारी इसलाह कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब। तो इस लाके के साथ साथ अभी हम इजाज़त लेने थे, क्योंकि आज जी का रिव्यू यहीं एंड पे पहुंचता है, और बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ हम लोग वापस आएंगे। और आप लोगों की फीडबैक इंतजार है, आप लोग रिव्यू के बारे में भी या जो रिव्यू चाहते हैं उस हवाले से भी अपना फीडबैक दें। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अला ने के बाद